हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। तो गाइस, आज मैं आपके लिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO की जो पोस्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके लिए मॉक टेस्ट की जो फर्स्ट सीरीज़ है वो लेके आई हूँ। ये टेस्ट सीरीज़ है जो सभी आने वाले CHO के एग्ज़ाम के साथ साथ जो एम्स में, PGIMER में और नर्सिंग ट्यूटर और जो नर्सिंग के अदर एग्ज़ाम होते हैं उनमें आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। मैं इस टाइप के एटलीस्ट आपके लिए 20 to 30 मॉक टेस्ट सीरीज़ बनाने वाली हूँ। यदि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके पहले भी मैंने RRB के लिए कुछ टेस्ट सीरीज़ बनाई थी, एटलीस्ट 8 to 10। उसमें से आपका 65 to 70% क्वेश्चन पेपर में एग्ज़ाम आए हुए थे, आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ में मैंने टोटल 20+ क्वेश्चन दिए हुए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ अपनी राय है जो कमेंट बॉक्स में लिखिए। सॉरी, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन फॉर रिटेन एनीमा इन एडल्ट इज। तो कितना अमाउंट है सोल्यूशन का यूज़ किया जाता है रिटेन एनीमा के लिए, तो वो होता है 100 to 150 ml। सॉरी, मैंने यहाँ पे जिन भी क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन इम्पोर्टेंट है और रेशनल इम्पोर्टेंट है उन क्वेश्चन का रेशनल भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे रिटेन एनिमा का अमाउंट कितना होता है, वो होता है 100 to 150 ml। नेक्स्ट देखते हैं हम नॉर्मल पोर्टल वेन प्रेशर। तो जो नॉर्मल पोर्टल वेन प्रेशर है वो कितना होता है, आपके लिए मैं सभी क्वेश्चन में 5 to 10 seconds का ब्रेक दूंगी ताकि आप लोग भी क्वेश्चन के आंसर को गैस कर सकें। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज नॉर्मल पोर्टल वेन प्रेशर। नॉर्मल पोर्टल वेन प्रेशर होता है, वो होता है 20 to 25 mm of Hg। करेक्ट आंसर इज सी, नॉर्मल पोर्टल वेन प्रेशर इज 20 to 25 mm of Hg। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। तो कौन सा कॉम्प्लिकेशन है जो पोर्टल हाइपरटेंशन का कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो यहाँ पर है जो वो है इंक्रीज्ड एल्ब्यूमिन लेवल। ये देखिए करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पोर्टल हाइपरटेंशन है क्या। इट्स अ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। यहाँ पर भी वर्ड पोर्टल स्टार्ट होता है, दैट मीन्स किस चीज़ को रिलेट करता है, हेपेटिक। तो यहाँ पर जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है इसमें वेंस, जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है इसमें वेंस और जो ब्रांचें हैं उनकी सभी से मिलके बना हुआ होता है। तो यहाँ पर पोर्टल हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज हेपेटिक वीनस प्रेशर ग्रेडियंट, मीन्स जो हेपेटिक वीनस प्रेशर है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं, लीवर फेलियर होता है, GI ब्लीडिंग होती है, एसाइटिस एंड हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, स्पिनोमेगाली भी कभी कभी हो जाती है, इसके कारण एनीमिया की कंडीशन होती है, लो WBC काउंट हो जाते हैं और लो प्लेटलेट्स। बट जो एल्ब्यूमिन का लेवल है वो कभी भी नहीं बढ़ता है हेपेटिक पोर्टल प्रेशर हाइपरटेंशन में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा डी, इंक्रीज एल्ब्यूमिन लेवल। हेमरेज भी देखने को मिलता है, पेरिटोनाइटिस भी देखने को मिलेगा, ईसोफेगल वेरिसेस भी देखने को मिलेगा, बट इंक्रीज्ड एल्ब्यूमिन लेवल कभी भी पोर्टल हाइपरटेंशन में देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है द टर्म अपोप्टोसिस मींस, इरिवर्सिबल सेल्युलर इंजरी, प्रोग्रामड सेल डेथ, डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू और रिवर्सिबल सेल्युलर इंजरी। ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में MP स्टाफ नर्स का जो पेपर हुआ था उसमें आया था, प्रोग्राम सेल डेथ। करेक्ट आंसर इज बी, प्रोग्राम सेल डेथ, अपोप्टोसिस मीन्स प्रोग्राम सेल डेथ। नेक्स्ट आता है इंक्रीज्ड साइज ऑफ सेल आफ्टर फुल डेवलपमेंट इज नोन एज, ए हाइपरप्लासिया, बी हाइपरट्रॉफी, सी मेटाप्लासिया और डी डिस्प्लेसिया। तो इंक्रीज्ड साइज ऑफ सेल, जो फुल डेवलपमेंट के बाद सेल की साइज है वो बढ़ जाती है, वो कंडीशन क्या कहलाती है, वो कहलाती है हाइपरट्रॉफी। और हाइपरप्लासिया क्या है, इज एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक टिश्यू। मेटाप्लासिया क्या है, एबनॉर्मल चेंज इन द नेचर ऑफ टिश्यू, टिश्यू का जो नॉर्मल चेंज है उसको एबनॉर्मल चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो कंडीशन कहलाती है मेटाप्लासिया। और डिस्प्लेसिया क्या है, द प्रेजेंस ऑफ सेल्स ऑफ एन एबनॉर्मल टाइप विद इन अ टिश्यू, विच में सिग्निफाई अ स्टेज प्रोसीडिंग द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। डिस्प्लेसिया है कहाँ देखने को मिलता है, जनरली कैंसर की कंडीशन में।
नेक्स्ट आता है टोटल अमाउंट ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूड, तो पेरिकार्डियल फ्लूड का टोटल अमाउंट कितना होता है, तो वो होता है 50 ml। करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा 50 ml। द पेरिकार्डियल सैक नॉर्मली कंटेन्स अप टू 50 ml ऑफ फ्लूड। जो पेरिकार्डियल सैक है वहाँ पर नॉर्मली 50 ml फ्लूड है जो कलेक्ट होता है। इट कैन होल्ड 80 to 200 ml ऑफ फ्लूड एक्यूटली, बट इवन अप टू 2 liter इफ द फ्लूड एक्यूमुलेट स्लोली। मीन्स जब 2 liter तक इसमें फ्लूड एक्यूमुलेट हो जाता है पेरिकार्डियल सैक में, उसके बाद ये स्लोली एक्यूमुलेट इकट्ठा होने लगता है। नेक्स्ट आता है AV नोड्स आर प्रेजेंट इन विच चैम्बर ऑफ द हार्ट। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, पेसमेकर ऑफ द हार्ट और AV नोड हैं जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सॉरी किस चैम्बर में प्रेजेंट होते हैं हार्ट के, तो ये होते हैं राइट एट्रियम में। करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा ये राइट एट्रियम। AV नोड्स लाइट एट द लोअर बैक सेक्शन ऑफ द इंट्राट्रियल सेप्टम नियर द ओपनिंग ऑफ द कोरोनरी साइनस, और ये नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हैं उनको कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ कैक्सिलेट एनीमा टू ट्रीट। तो यहाँ पे कैक्सिलेट एनीमा है किस डिसीज को ट्रीट करने के लिए यूज होता है, हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैल्सेमिया, हाइपोकैलेमिया और हाइपोकैलेमिया। तो हाइपरकैलेमिया में क्या होता है, सोडियम का लेवल है वो ब्लड में सीरम में बढ़ जाता है। हाइपोकैल्सीमिया में कैल्शियम का लेवल सीरम में बढ़ता है। हाइपोकैल्सीमिया में कैल्शियम का लेवल कम रहता है सीरम में और ब्लड में, हाइपोकैलेमिया में सोडियम का लेवल है जो घटा हुआ रहता है। तो यहाँ पर कैक्सिलेट एनीमा किस डिसीज को ट्रीट करने के लिए यूज होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो यहाँ पे आंसर आएगा हाइपरकैलेमिया। जब ब्लड का सॉरी जब सोडियम का लेवल है जो बढ़ जाता है ब्लड में, तो उसको कम करने के लिए कैक्सिलेट एनीमा है जो यूज किया जाता है। कैक्सिलेट इज अ नॉन एब्जॉर्ब्ड कैटायन एक्सचेंज पॉलीमर दैट कंटेन्स अ सोडियम कैटायन इज अ रीजन पासस अलोंग द इंटेस्टाइन और इज रिटेन्ड इन द कोलन आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन बाय एनीमा। तो ये जो सोडियम का लेवल है जब ये बढ़ जाता है, जब कैक्सिलेट एनीमा दिया जाता है, तो इसमें जो कैक्सिलेट नॉन एब्जॉर्ब्ड कैटायन प्रेजेंट रहते हैं सोडियम के लेवल को धीरे धीरे कम करते हैं और इंटेस्टाइन के थ्रू ये बाहर निकलने लगते हैं एनीमा देने के बाद। तो यहाँ पे यही आंसर आएगा हाइपरकैलेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9, रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ए वायरस। हेपेटाइटिस के जो भी वायरस हैं ए बी सी डी ई, इन सभी में से एक क्वेश्चन किस कोई सा भी एग्जाम हो, नर्सिंग का हो या फिर पैरामेडिकल कैटेगरी में किसी भी टाइप का हो, चाहे लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट, उनमें भी हेपेटाइटिस रिलेट करता है एक क्वेश्चन आता है इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ द लिवर। तो यहाँ पर रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ए वायरस, तो यहाँ पे हेपेटाइटिस ए वायरस का रूट क्या है, तो वो हेपेटाइटिस ए वायरस है जो उसका रूट है वो कैसे किस तरीके से एंटर करेगा बॉडी में, वो होता है फीको ओरल रूट। करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा फीको ओरल रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच हेपेटाइटिस वायरस कैन रेप्लिकेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ HCV मीन्स हेपेटाइटिस सी वायरस। HCV मीन्स हेपेटाइटिस सी वायरस, मीन्स कौन सा हेपेटाइटिस वायरस है जो रेप्लिकेट कर सकता है जबकि हेपेटाइटिस सी वायरस भी प्रेजेंट हो उस टाइम पर, तो वो है हेपेटाइटिस डी वायरस। हेपेटाइटिस डी वायरस को डेल्टा वायरस के नाम से भी जाना जाता है। दैट कैन कॉज द लिवर टू बिकम इन्फ्लेम्ड, दिस स्वेलिंग कैन इम्पेयर लिवर फंक्शन एंड कॉज लॉन्ग टर्म लिवर प्रॉब्लम्स। द कंडीशन इज कॉज बाय द हेपेटाइटिस डी वायरस, मीन्स हेपेटाइटिस डी के कारण लिवर स्कैरिंग और कैंसर होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट आता है विच हेपेटाइटिस ऑल्सो नोन एज सीरम हेपेटाइटिस। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया कि सीरम हेपेटाइटिस है जो उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो वो हेपेटाइटिस बी। करेक्ट आंसर इज बी हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट इज विच हेपेटाइटिस नोन एज पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस, मीन्स कभी भी ट्रांसफ्यूजन करवा रहे हो या फिर चाहे वो IV ट्रांसफ्यूजन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, तो उस टाइम पर कौन सा हेपेटाइटिस होने के चांसेस हो सकते हैं या फिर उसको पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस नाम से भी जाना जाता है, तो वो है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 13, विच हेपेटाइटिस इज मोर डेंजरस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर कौन सा हेपेटाइटिस है जो सबसे ज़्यादा डेंजर रहता है, तो वो है हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्पेशली इन द थर्ड ट्राइमेस्टर। तो हेपेटाइटिस ई है जो थर्ड ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय मोर सीवियर इन्फेक्शन दैट समटाइम्स रिजल्ट इन फुलमिनेंट हेपेटाइटिस।
जब हेपेटाइटिस ई होने के सबसे ज़्यादा मीन्स सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, डेंजरस हो सकता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और थर्ड ट्राइमेस्टर में मेनली, तो इसके कारण फीटल मॉर्टेलिटी और मैटरनल मॉर्टेलिटी दोनों के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14, आर डिसरिथमिया इन विच एसिनोड इज नॉट अ पेस मेकर एंड अदर मसल प्रोड्यूस द इम्पल्स एक्टोपिक फोकाई इज नोन एज, तो किस टाइप का डिसअरिथमिया है जिसमें ऐसे नोड हैं जो एज अ पेस मेकर की तरह काम नहीं करेंगे बट उनकी जगह है जो जो इम्पल्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे, तो वो कहलाता है वो एटोपिक डिसअरिथमिया। करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा एटोपिक डिसअरिथमिया। यहाँ पर जो ऑप्शन है साइनस टैकिकार्डिया मीन्स इज एन एलिवेटेड साइनस रिदम कैरेक्टराइज, जो रिदम होती है वो बढ़ी हुई देखने को मिलेगी, वो कंडीशन कहलाती है साइनस टैकिकार्डिया। रेस्पिरेटरी साइनस डिसअरिथमिया मीन्स इट्स प्रेजेंट व्हेन देयर इज अ ग्रेजुअल रेट इंक्रीज विद इंस्पिरेशन एंड अ ग्रेजुअल डिक्रीज विद एक्सपिरेशन, मीन्स जब ब्रीद इन करते हैं तो उस टाइम पर है जो ग्रेजुअल रेट है वो बढ़ी हुई देखने को मिलती है, बट जैसे ही सांस छोड़ेंगे ब्रीद आउट करेंगे उस टाइम पर घटी हुई देखने को मिलेगी। इट्स अ वेरी कॉमन कंडीशन एंड यूजुअली नॉर्मल इन चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 15, कॉमनेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर डीबीटी, तो डीबीटी के लिए डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है, तो वो है पोस्टपार्टम पीरियड। पोस्टपार्टम पीरियड में सबसे ज़्यादा डीबीटी होने के चांसेस रहते हैं, तो यहाँ पे आंसर आएगा सी पोस्टपार्टम। डीप वेन थ्रोम्बोसिस कंडीशन क्या, इट्स अ सीरियस कंडीशन दैट अकर्स व्हेन ब्लड क्लॉट फॉर्म्स इन अ वेन, तो ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस में क्या होता है कि जब जो ब्लड क्लॉट हैं वो वेंस में बन जाए या फिर किसी भी जनरली ये लॉन्ग वेंस रहती हैं उन्हीं में बनते हैं थाई और लोअर लेग की बोन्स में, बट ये बॉडी के किसी भी एरिया में बनने के चांसेस रहते हैं। मेनली जो कॉमन रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है डीबीटी के लिए अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, तो वो पोस्टपार्टम पीरियड। नेक्स्ट आता है ऑस्कुलर्स नोड आर द सिम्टम ऑफ, तो एक किस डिसीज़ के सिम्टम है, पेरिकार्डाइटिस मायोकार्डाइटिस एंडोकार्डाइटिस या फिर किडनी फेलियर, तो यह एंडोकार्डाइटिस के सिम्टम, रिजल्टिंग इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स लीड्स टू स्वेलिंग रेडनेस एंड पेन दैट करेक्टराइज दीज लीजन्स, ये नोट्स हैं जो जनरली बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में देखने को मिलते हैं, 10-25% एंडोकार्डाइटिस के पेशेंट में देखने को मिलते हैं, और जो अदर साइन है एंडोकार्डाइटिस के वो भी एग्जाम में आ सकते हैं जैसे कि रोथ्स स्पॉट और जेनवे लीजन। ये तीन साइन है जो आप सिम्टम है जो याद रखिए, ऑस्लर्स नोड, रोथ्स स्पॉट एंड जेनवे लीजन। नेक्स्ट इज ड्रेसलर सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विथ, ड्रेसलर सिंड्रोम है किससे रिलेट करता है, MI मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंजाइना हार्ट ब्लॉक या फिर हाइपरटेंशन, तो ये जो ड्रेसलर सिंड्रोम है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन से रिलेट करता है, क्योंकि जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की कंडीशन होती है वो पेरिकार्डाइटिस के साथ साथ कभी कभी होती है। इन केस यदि एग्जाम में MI ना आके पेरिकार्डाइटिस आए तब भी आप ड्रेसलर सिंड्रोम को पेरिकार्डाइटिस से रिलेट कर सकते हैं। ड्रेसलर सिंड्रोम इज अ सेकेंडरी फॉर्म ऑफ पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस का दूसरा फॉर्म क्या है, ड्रेसलर सिंड्रोम। That occurs in the setting of injury to the heart or a pericardium. It consists of fever, pleuritic pain, pericarditis or a pericardial effusion. Dressler syndrome is also known as post myocardial infarction syndrome. इसको post myocardial infarction syndrome के नाम से भी जाना जाता है, वो कभी कभी post pericardiotomy pericarditis term भी use किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18, विच प्रोसीजर इज यूज्ड टू फाइंड आउट द साइज ऑफ हार्ट चैम्बर, दो जो हार्ट के चैम्बर हैं उनको फाइंड आउट करने सॉरी उनकी साइज को पता करने के लिए, हार्ट चैम्बर की हाइपरट्रॉफी या डायलिटेशन उसको पता करने के लिए कौन सा प्रोसीजर यूज होता है, कार्डियक कैथेटराइजेशन, इकोकार्डियोग्राफी, TMT या फिर ECG, तो वो प्रोसीजर है इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी को यूज़ किया जाता है जो हार्ट के चैम्बर्स हैं उनमें हाइपरट्रॉफी या फिर डायलिटेशन तो सभी चीज़ें प्रेजेंट तो नहीं है उसको चेक करने के लिए। नेक्स्ट आता है द अमाउंट ऑफ ब्लड विच आर इजेक्टेड बाई ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग एवरी बीट इज नोन एज, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, कहलाती है कार्डियक आउटपुट। करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा बी कार्डियक आउटपुट, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20,
एपिकल पल्स कैन बी हियर डेट, ये क्वेश्चन भी बहुत बार अभी रिसेंट में ही जो एमपी का पेपर हुआ है स्टाफ नर्स का, उसमें आया है एपिकल पल्स को कहाँ फील कर सकते हैं, तो ये होती है मिट्रल एरिया में, तो यहाँ पे आंसर आएगा डी मिट्रल एरिया। नेक्स्ट इज फर्स्ट हार्ट साउंड लव ओरिजन इज, तो जो हार्ट साउंड दो लव और डव, तो फर्स्ट हार्ट साउंड लव है जो कहाँ पर कहाँ से ओरिजिनेट होता है बनता है, तो ये बनता है क्लोजर ऑफ द ए बी वॉल्व, जब ए बी आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज होते हैं तो उस टाइम पर लव साउंड बनता है, तो यहाँ पे आंसर आएगा क्लोजर ऑफ ए बी वॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 22, विच इज मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन सीन आफ्टर द सी ए वी जी, सी ए वी जी के बाद है जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो कौन सा देखने को मिलता है, तो वो मिलता है पेरीफेरल एडिमा, करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा पेरीफेरल एडिमा। सी ए बी जी क्या है, कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, इट्स अ प्रोसीजर टू इम्प्रूव पुअर ब्लड फ्लो टू द हार्ट, जो हार्ट में पुअर ब्लड फ्लो होता है उसको ट्रीट करने के लिए सी ए बी जी प्रोसीजर है जो परफॉर्म किया जाता है, ये कब परफॉर्म किया जाता है, इट मे बी नीडेड व्हेन द आर्टरीज सप्लाइंग ब्लड टू हार्ट टिश्यू कॉल्ड कॉरोनरी आर्टरीज आर नैरो और ब्लॉक, ये जब होता है जब जो ब्लड से जो हार्ट सॉरी जो आर्टरी हैं सप्लाई करती हैं ब्लड को हार्ट टिश्यू में, जब ये नैरो हो जाए फिर किसी भी तरीके से ब्लॉक हो जाए कोरोनरी आर्टरीज हैं जो, उनको ठीक करने के लिए सी ए वी जी प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पर जो सी ए वी जी के बाद जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है वो कौन सा है, वो पेरीफेरल एडिमा, ये क्या है, इट्स अ टिश्यू परफ्यूज बाय द पेरीफेरल वैस्कुलर सिस्टम यूजुअली इन द लोअर लिम, पेरिफेरल एडिमा है जो जनरली लोअर लिम्स में होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट आता है प्राइमरी ऑर्गन फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स, तो जो ड्रग्स हैं उनका मेटाबॉलिज्म जनरली किस ऑर्गन में होता है, किडनी लिवर पैंक्रियाज या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, तो जो प्राइमरी ऑर्गन है ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए वो लिवर है, और एक्सक्रीट मीन्स मेटाबॉलिज्म होने के बाद है जो मेडिसिन एक्सक्रीशन उनका किस रूट से होता है, तो होता है किडनी से, बट मेटाबॉलिज्म होता है लिवर में, करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर बी लिवर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर, इनमें से कौन सा है जो कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर नहीं है, ए कोरोनरी एर्थरोस्क्लेरोसिस, बी एंजाइना, सी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या फिर डी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, तो वह कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन एपिकल पल्स कैन बी हियर्ड एट, तो एपिकल पल्स जनरली मिट्रल एरिया में सुनाई देती है, तो ये एपिकल पल्स को एक क्वेश्चन और बनता है कि कौन सी इंट्राकोस्टल स्पेस में सुनाई, जो रिप्स के जो इंट्राकोस्टल स्पेस होते हैं कहाँ पर सुनाई देती है, तो ये सुनाई देती है फिफ्थ इंट्राकोस्टल स्पेस एट द मिड क्लेविलर लाइन, ये चीज़ आप याद रखिए। तो इसका जो मेन पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इम्पल्स लोकेशन ऑफ सॉरी द एपिकल पल्स इज ऑल्सो द लोकेशन ऑफ पी एम आई, एपिकल पल्स का जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में आया है कि ये फील सुनाई कहाँ पे देती है, मिट्रल एरिया में, फील कहाँ पे कर सकते हैं, फिफ्थ इंट्राकोस्टल स्पेस में। तो गाइज यहाँ पे टोटल इतने ही क्वेश्चन थे, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर को लाइक कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।